हे दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त इंजीनियर कुमार मनीष बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया में। दोस्तों एनसीएल की तरफ से जो है ऑफिशियली वेबसाइट पर आंसर केज जारी कर दिया गया है। आपको जो एग्ज़ाम हुआ था 8 नवंबर 2020 को, आज रात को जो है यहां पे ऑफिशियली आंसर केज जारी कर दिया गया है अलग अलग सभी पोस्टों का। चलिए हम आपको लेकर चलते हैं ऑफिशियली वेबसाइट पर। उससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, मून स्टडी को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर ऑफिशियली सॉल्वड पेपर मिल जाएगा भी पोस्टों का। जी हाँ, और वहाँ पे जो है आपको डेली क्लासेस भी मिलने वाली है, तो मून स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आपको लेके चलते हैं ऑफिशियली वेबसाइट पर। दोस्तों आपको जो एग्ज़ाम हुआ था 8 नवंबर 2020 को हुआ था, इसका जो है ऑफिशियली आंसर के ऑफिशियली वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। यहाँ पर जो है मैंने ऑफिशियली वेबसाइट ओपन कर रखी है, यहाँ पर नीचे आने पर जो है आपको देख रहे हो आंसर के फॉर रिटर्न एग्जामिनेशन कंडक्टर ऑन 8/11/2020 क्लिक हेयर। इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो है एक नोटिस मिल जाएगी। इसमें अगर आपको कोई भी आपत्ति है, कोई भी चेंजिंग करना है या आपको कोई भी आपत्ति दर्ज करनी है, तो आप लोग जो है 12 नवंबर 2020 तक जो है आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। इसके बाद देखिए पैरामेडिकल पोस्ट के लिए जो है यहाँ पे आंसर की जारी की गई है और पेपर्स जारी किया गया है, और यहाँ पे जो है अलग पोस्ट जैसे माइनिंग सरदार का हो गया और यहाँ पर जो है सर्वेयर का हो गया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पैरामेडिकल स्टाफ की, तो यहाँ पे जो देखिए टेक्नीशियन का है, टेक्नीशियन का अलग अलग है, जूनियर टेक्नीशियन ईसीजी का है, इसके बाद टेक्नीशियन ईईजी का है, फार्मासिस्ट का है, फिजियोथेरापिस्ट का है, स्टाफ नर्स का है, सभी का है। तो हम आपको एक बार दिखा दें, तो स्टाफ नर्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो है आपको डाउनलोड कर लेना है आंसर के। यहाँ पर जो है आपको क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, देखिए सेट ए के लिए यहाँ पर दिया गया है, इसी तरह से जो है आप लोग सेट बी, सेट सी और सेट डी का जो है आप लोग यहाँ पर मैच कर सकती हो, आंसर के जो है मैच कर सकते हो। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर की आप लोग चेक कर सकते हो, नीचे आपको मिल जाएगा। इसमें आपको 3 नंबर बोनस भी मिला है, जिसमें देखिए स्टाफ नर्स का यहाँ पे जो है सेक्शन ए का आंसर के दिया गया है और सेक्शन बी का आंसर के यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद जो है आपको बैक जाना है, इसी तरह से जो है आप लोगों को फार्मासिस्ट का चेक कर लेना है। मून स्टडी पर सारे पेपर्स आपको जो है मिल जाएंगे, वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे तरीके से आंसर के दिया गया है। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो है आपको माइनिंग सरदार का मिल जाएगा, सर्वेयर टी एंड एस ग्रुप बी का मिल जाएगा, इस पर जो है आप लोगों को क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद जो है इसका भी आप लोगों को चेक कर लेना है। इस तरह से जो है यहाँ पे आप लोग भी चेक कर सकती हो, इसका आंसर की यहाँ पे चेक कर सकती हो। इसमें जो है आपको 2 नंबर बोनस मिलने वाला है, इस तरह से जो है आप लोग यहाँ पे आंसर के चेक कर सकते हो। और यहाँ पे जो है मैं आपको नोटिस दिखा दूँ, तो पूरा वीडियो अच्छे से देखिए और जॉब इंडिया को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए। यहाँ पर जो है हम आपको नोटिस दिखा दें, तो यहाँ पे जो है नोटिस में साफ साफ बोला गया है कि अगर आपको कोई भी आपत्ति दर्ज करनी है, यहाँ पे जो है आप लोग देखिए, जिसमें यहाँ पे बोला गया है कि इसमें आंसर के संदर्भ में सभी परीक्षा में सम्मिलित हुए उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि इस सूचना के साथ प्रावधिक उत्तर कुंजी निर्गत की जा रही है। सभी अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि प्रावधिक उत्तर कुंजी का अवलोकन करें, और यदि कोई टिप्पणी है तो उसे ईमेल आईडी पर अपने प्रवेश पत्र के साथ जो है यहाँ पे अंतिम रूप से भेज सकते हैं। कब तक भेज सकते हैं, तो 12 नवंबर 2020 को रात्रि 12 बजे से पहले जो है आप लोगों को ईमेल कर देना है। अगर आपको कोई डाउट है, कोई टिप्पणी करना है किसी क्वेश्चन पर, तो आप लोग जो हैं 12 नवंबर 2020 को रात को 12 बजे से पहले जो है आप लोगों को ईमेल कर देना है। यहां पे जो है ईमेल आईडी दिया गया है, ठीक है। और भी कोई जानकारी चाहते हो दोस्तों, नीचे कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।